मेरा नाम अरविंद आनंद है। दुल्हन गंगा पार के नाम से फिल्म हम लोग अपनी प्रोडक्शन कंपनी ब्रांड बिला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हम लोग बना रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य जो नायक हैं आज के भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ मुख्य नायिका के रूप में काजल अगवानी जी हैं। और सबसे जो खासियत है इस फिल्म के बारे में बता दूं आपको कि इस फिल्म को निर्देशन कर रहे हैं हमारे असलम शेख जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिन्होंने भोजपुरी में एक ऐसी पहचान दी है भोजपुरी भाषा जिसके लिए जानी जाती है, उस भाषा में जैसे विदाई, संसार, रखवाला, इस तरह की बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी हैं। बंधन टूटे ना, जो इमोशंस के सौजन्य से भोजपुरी की वास्तविकता को निखारती है और बताती है कि भोजपुरी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसी संस्कृति है जहाँ भावनाओं का समंदर होता है और रिश्तों का एक अपना अलग मायना होता है, और रिश्तों के लिए रिश्तों में जो खासियत बताने वाली बात होती है वो असलम शेख जी की होती है। तो सर आप कैसे जुड़े हुए हैं इस फिल्म में? इस फिल्म का निर्माण मैं एज ए प्रोड्यूसर कर रहा हूँ और हमारी प्रोडक्शन कंपनी है ब्रांड बिला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और इसके पहले हमारी एक म्यूजिक कंपनी अपनी लोटस म्यूजिक के नाम से है, वहाँ पे हम लोग का अपना स्टूडियो भी है, और उसके सजाने से हम लोग काफ़ी सारे म्यूजिक एल्बम्स और काफ़ी सारे स्टारों का इसमें होता है। और खास बात हमारी कंपनी की ये है कि हम लोग आज जिसके लिए जाने जाते हैं, अक्सर म्यूजिक कंपनियाँ करती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और उन्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए, कलाकारों को गुमराह किया जाता है मतलब, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, गरीब और प्रतिभावान कलाकारों को बिल्कुल ही मुफ्त मतलब निःशुल्क रूप में उनका हम लोग एल्बम कराते हैं और उन्हें हम लोग सपोर्ट करते हैं और स्टार बनाने में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो धूल से उठकर और आज सुपर स्टार को लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, तो कास्ट की कैसे चॉइस किया? देखिए आज फिल्म बनाने की जहाँ तक बात है, तो फिल्म को जब आप व्यावसायिक रूप से देखते हैं तो निश्चित है कि व्यवसाय जहाँ होती है वहाँ पे व्यवसाय को देखा जाता है कि आपको आपकी जो लागत है वो लागत आपके पास आ जाए, उस लागत में कहीं ना कहीं सुपरस्टार काम आते हैं और उनके नाम पे और उनके जो ऑडियंस का जो अपना एक क्राइटेरिया होता है, बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ होता है, वो काम आता है और उस तौर पे हम लोग सुपरस्टार को प्रेफर करते हैं और कहीं ना कहीं ये सर कहानी और गाने की बात करते हैं, कितना काम हुआ? कहानी की बात जो है, कहानी तो नो डाउट भोजपुरी भाषा की जो फिल्में बन रही हैं बहुत सारी मतलब फिल्मों के बारे में बताएं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो फिल्म की कहानी हिंदी फिल्मों में लोग देख लिए रहते हैं, वो फिल्मों को और परोसा जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से भोजपुरी का जो एक जो दौर आया, भोजपुरी बीच में जो गायब हो गई थी, मनोज तिवारी जी को मतलब मैं हार्दिक आभारी सदैव रहूँगा जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री फिर से मतलब अपने रंग में आई, लेकिन उसका हम लोग फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हूबहू किसी भी फिल्म की स्टोरी उठाकर और हम लोग रीमेक करते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल अलग हटकर हम ये मतलब कहानी को हमने एक अलग तरीके से, भोजपुरिया जो हम लोग का एक माहौल है उसमें एक बच्ची एक छोटी बच्ची की मुख्य रूप से किरदार है और उसके माध्यम से कि किसी मतलब हमारी जो फिल्म में जो बच्ची का रोल है वो खासकर आपको बता दूं कि हमारी खेसारी जी की सुपुत्री कृति कर रही है और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है क्योंकि वो उनकी सुपुत्री की पहली फिल्म है और वो हमारे साथ काम कर रही है और उस बच्ची के माध्यम से ये फिल्म आगे बढ़ती है और ये फिल्म के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची मतलब किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है और डॉक्टर के अनुसार उन्हें उसे कहा जाता है कि अगर बच्ची को मतलब जितना दिन खुश रखा जाएगा उतने ही दिन बच्चे की लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है और उसके इर्द गिर्द कहानियाँ घूमती है
और उसके माध्यम से मतलब बताना चाह रहे हैं कि आप अगर बच्चे आपके मतलब परिवार रूपी बगिया के ऐसे फूल हैं जिनको आपको मतलब उनको प्यार उनको संस्कार रूपी मतलब बागवान की तरह सींचना पड़ता है और उससे लोग वंचित हो जाते हैं। बड़े घरों में तो और होता है, बच्चों को बोर्डिंग में डाल दिया जाता है और गरीब जो फैमिली होती है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं डाल पाते हैं। तो इन मतलब देखा जाए तो ये मैसेज हमारी फिल्म के माध्यम से। आप पहले अपना नाम बताएंगे। मैं प्रतिभा पांडे, सभी लोग जानते ही हैं। और अरविंद जी जो हैं, अरविंद आनंद जी, इनकी सोच, इनकी जो इनकी कुछ संस्थाएं हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और इन्होंने, मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया इस फिल्म में। इस फिल्म में मेरा बिल्कुल हटके एक करेक्टर है एकदम, जो आज तक मैंने किया नहीं था। थोड़ा सा मॉड है और एक विदेशी टाइप की लड़की है, तो मुझे अच्छा लगा। इसके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, मधुकर जी ने किया है, हमारे अच्छे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मुकेश जी कौन है? जिद्दी फिल्म किए थे कि हैं हमरा से ब्याह करबा, विधाता, गुंडेरा, अजय, डकैत, इज्जत, सभी लोगों के साथ काम किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं खेसारी जी के साथ काम कर रही हूँ। और असलम जी जो हैं, 3-4 साल से कह रहे थे कि मैं कब काम कर पाऊँगा। मैं भी चाह रही थी कि मैं कब उनके साथ काम करूँ। अच्छे डायरेक्टर हैं और उनकी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। तो मुझे ये पहला मौका उनके साथ मिल रहा है काम करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चीज़ को मैं निभा सकूं और मैं सर के साथ हमेशा खड़ी हूं। मेहनत किया आपने विदेशी लुक के लिए? मेहनत क्या, वो तो गेटअप वेटअप सब चेंज होंगे, हॉट कपड़े होंगे, थोड़ी स्टाइल होगी, वैसा हम कोशिश करेंगे कि वैसे। आज तक तो मैंने हमेशा जैसा भी करेक्टर मिला है मैं पूरी 100% उसको निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लुक मैं पहली बार जो कर रही हूँ ये ज़रूर सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच। कौन सा नीचे पैर क्या हुआ? आ जाओ, कोई बात नहीं।